लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। आज हम आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने विपरीत परिस्थितियों से लड़कर अपनी फील्ड में कामयाबी हासिल कर मिसाल कायम की है। UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए हर साल लाखों उम्मीदवार उपस्थित होते हैं। हर उम्मीदवार पहले प्रयास में परीक्षा को क्रैक करना चाहता है, लेकिन वास्तव में बहुत कम ऐसा कर पाते हैं। अरुण राज एक ऐसे उम्मीदवार है जिन्होंने पहले प्रयास में और बिना कोचिंग के UPSC सिविल सेवा परीक्षा क्रैक कर 34वीं रैंक हासिल की। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अरुण राज बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे और हर क्लास में उनके अच्छे नंबर ही आते थे। अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने IIT JEE एग्जाम को भी आसानी से पास कर लिया। IIT पास करने पर अरुण को IIT कानपुर में प्रवेश मिला। कानपुर से अपनी IIT की ग्रेजुएशन करने के दौरान ही अरुण ये तय कर चुके थे कि उन्हें UPSC की परीक्षा देनी है और उसे पास करते हुए सिविल सर्वेंट बनना है। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान हमेशा से ही अपने दिमाग में ये बात सेट रखी थी और अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल के दौरान ही उन्होंने सेल्फ स्टडी करते हुए UPSC के लिए तैयारी करना भी शुरू कर दिया। UPSC और IIT दोनों की एक साथ तैयारी के दौरान अरुण ने टाइम टेबल बनाते हुए दिन के घंटे आपस में बांट लिए और ये तय किया कि उन्होंने कब IIT की पढ़ाई करनी है और कब UPSC की। इस दौरान दोनों परीक्षाओं की तैयारी के लिए उन्होंने लगभग 1.5 साल तक इस टाइम टेबल को बैलेंस करते हुए मेंटेन किया। इनके अच्छे टाइम टेबल और सही दिशा में प्रयास का ही परिणाम था कि उन्होंने ये दोनों बड़ी परीक्षाएं एक साथ एक ही साल में पास की। उन्होंने इस दौरान इस प्रकार से शेड्यूल सेट कर रखा था कि एक परीक्षा दूसरी परीक्षा के लिए रास्ते का रोड़ा नहीं बने और सिविल सेवा परीक्षा क्रैक कर 34वीं रैंक हासिल कर IAS अधिकारी बन गए। अरुण राज ने एक इंटरव्यू में बताया कि UPSC के क्षेत्र को चुनने के पीछे उनके पास ये कारण था कि वर्तमान समय में ज्यादातर नौकरियां ऐसी होती हैं जिनमें सिलेक्ट होने के बाद भी आपके जीवन से संघर्ष और कंपटीशन खत्म नहीं होता। आपको नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके जीवन में सरवाइव करने के लिए आपको जिंदगी की रेस में भागना होता है, वरना आप दूसरों से बहुत पीछे छूट जाते हैं। अरुण का कहना है कि वह जिंदगी भर के लिए दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता था। अरुण राज को अन्य नौकरियों के मुकाबले में IAS कई ज्यादा स्टेबल जॉब लगी। हालांकि इस जॉब को पाने का सफर बहुत कठिन है, परंतु जब आप एक बार उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में आपको हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरुण राज इन कारणों के अलावा भारत में ही रहते हुए अपनी शर्तों पर काम करते हुए देश और समाज के सुधार के लिए भी कुछ करना चाहते थे। उन्हें अपने इन्हीं विचारों को धरातल पर लाने के लिए सिविल सर्विसेज का चुनाव किया। अरुण राज UPSC की तैयारी कर रहे दूसरे स्टूडेंट्स को सलाह देते हुए कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आप हर दिन 12 से 14 घंटे तक की पढ़ाई करें, लेकिन आप जितने भी घंटे पढ़े उसे पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़े, साथ ही हर दिन पढ़े। अरुण का कहना है कि आपको हर दिन के लिए विषय के अनुसार टारगेट बनाकर टॉपिक डिसाइड करते हुए उसे खत्म करके ही उठना चाहिए, साथ ही अपने मन के अनुसार शेड्यूल बनाओ क्योंकि मनुष्य का माइंड स्विंग होता रहता है। ऐसे में पहले आप पढ़ाई की आदत डालें और जितना मन लगे उतने से शुरुआत करें, जबरदस्ती किताबें खोलकर ना बैठे। अगर एक पॉजिटिव सोच के प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हुए UPSC की तैयारी करेंगे तो देर भले ही हो जाए परंतु आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आज से जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।